अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ राइटिंग बैकग्राउंड, जो कि आप कोई मोटिवेशनल हैं या कोई मोटिवेशनल बात लिखना चाहते हैं कोई भी, तो उसके लिए जो बैकग्राउंड यूज़ होंगे वो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और मैं इनका यूज़ करना भी आपको दिखा दूँगा, पहले मैं इनका थोड़ा प्रीव्यू दिखाऊँगा आपको कि ये कैसे हैं। इस टाइप के आपको तकरीबन 250 प्लस यहाँ से आपको फ्री मिलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी ने ये YouTube पे डाटा प्रोवाइड किया हो। तो इस डाटा का पासवर्ड भी इसी वीडियो में, काइंडली वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा, और इनका यूज़ करना भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे मैं इसको ही ओपन कर देता हूँ, या इसको ओपन करता हूँ मैं फोटोशॉप में। ये जस्ट JPG फाइल है। कंट्रोल शिफ्ट एल से इसका कलर चेंज होगा, ऑटो लेवलिंग। अगर अनडू करें तो ये ऐसे ही ठीक है। अब हमने इसके ऊपर कोई बात लिखनी है तो सिंपली आप टेक्स्ट पे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लव नेवर डाइट, नेवर डाइट। इसको फॉर्मेट चेंज करते हैं या जो भी आपको अच्छा लगे वो करें। एक तो ये ऑप्शन रहा, और दूसरा ये कि जहाँ पे आप बनाएं न्यू लेयर और इसको सिलेक्ट करें। अपना अपना जो तरीका कार है ब्लैक करने का, इसका इसकी ऑपेसिटी कम कर सकते हैं, इसको डार्क ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ से ऐसे डार्क करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 40 पे, और कलर इसका किया मैंने ब्लैक। ओके ओके, और ये देखें इसका जो कलर है वो ब्लैक हो गया है इस लेयर की वजह से, और यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो ज़्यादा हाईलाइट करेगा। इसको मैंने बंद किया, और नेक्स्ट मैं किसी को अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं इसी को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, ये किधर रहा ये। और इसके लिए मैं उर्दू टाइप करता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ कि इन पेज में उर्दू कैसे लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है पहले ही, क्योंकि जो मुझे इजी लगती है यहाँ पे, क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं वो सेम इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ मिलते हैं, तो इजी हो जाता है जो न्यू बंदा होता है इन पेज के लिए। तो यहाँ पर मैं कोई बात लिख देता हूँ, मुझे तुम याद आते हो। ये तो जस्ट एक मैं टैप कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, वैसे आप कोई भी बात लिख सकते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। सो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये मैंने टेक्स्ट कोई लिख दिया, साथ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ शेरी, और फाइल पे जाएंगे आप एक्सपोर्ट पेज, और यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे APS में। तो मैं यहाँ पर 001 कर देता हूँ, सेव ओके। और अब मैंने फोटोशॉप ओपन, सॉरी, अब मैं यहाँ से इस फाइल को ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, और ये ऑलरेडी डार्क है तो थोड़ा इसको मैं और डार्क कर देता हूँ। न्यू लेयर बनाई मैंने यहाँ पे, किया फिल पे किया 40 ओके, ये रहा। और अब मैं उस APS फाइल को ओपन करूँगा इसको, और यहाँ पे RGB कलर भी है, CMK लैब कलर, और रेगोल्यूशन आप जितना कम करेंगे इतना ही उसका साइज़ कम अप डाउन होगा। और यहाँ पे अपनी मर्जी का रेगुलेशन मैं 72 कर देता हूँ ओके। और ये APS फाइल आ गया। जो इंडियन ब्रदर हैं जो बांग्लादेश या जो उनको उर्दू नहीं आती, तो वो अपने रिलेटेड कोई टैक्स है, अगर यहाँ पे टैक्स उनका आ जाता है तो वेल, अगर उनका कोई सॉफ्टवेयर है तो वो भी ऐसे यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रैग मैंने यहाँ पर ऐसे किया, और FX पे कलर पे कलर वाइट किया, क्योंकि ब्लैक का जो ऑपोजिट है वो वाइट ही है, तो ज़्यादा वाइट जो है वो ज़्यादा इसको डिज़ाइन बेटर करेगा इसका। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्योंकि बात काफ़ी लिखने वाली थी, क्योंकि अगर बैकग्राउंड को देखा जाए ये एक मोटिवेशनल स्पीकर या कोई डिज़ाइनर है तो वो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो कर सकता है, क्योंकि ये एक लोनली पिक्चर है, एक बर्ड्स अप्लाई करता हो, एक अलोन बंदा, मुझे तुम याद आते हो। ये तो वैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा था, यहाँ पे और भी आपके रिलेटेड हैं, अगर रेन के मुतालिक लिखना है तो वो भी, और ये भी।
तो उम्मीद करता हूँ आपका ये डेटा पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।